सो गाइस, डीजे जनरेटर के ऊपर मैंने काफी सारे वीडियो अपलोड किए गए, लेकिन फिर भी काफी लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि भैया हम अपने 6000 वाट की मशीन है, एक 3000 वाट की मशीन है, हमें कितने केवी का जनरेटर लेना चाहिए। कोई भाई कमेंट करके पूछता है कि हम जनरेटर के ऊपर स्टेबलाइजर यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जनरेटर के वोल्टेज अगर कम है तो कैसे बढ़ाने चाहिए, और अपने डीजे का आवाज परफेक्ट आए और बढ़िया बजे इसके लिए हमें जनरेटर पर कितने मैक्सिमम है वोल्टेज वो रखने चाहिए। उसके अलावा इस तरह से काफी सारे मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं जनरेटर से रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पर एक बार वापस से वीडियो बनाया जाए और आपको जनरेटर से रिलेटेड पूरी की पूरी जानकारी दे, जनरेटर के शुरुआत से लगाकर एंड तक की, यानी अपने सेटअप के लिए कितने केवी का जनरेटर लेना है। हमारे पास चार मशीनें हैं, यानी तो उसके लिए कितने केवी का जनरेटर लेना चाहिए। अगर हम 10 केवी का जनरेटर लेते हैं तो उसके ऊपर कितने एम्पलीफायर चला सकते हैं। अगर हम ट्रस्ट के लिए कोई जनरेटर लेना चाहे तो कितना केवी का जनरेटर है वो ले सकते हैं। उसके अलावा जनरेटर का कनेक्शन कैसे करना है, उसके वोल्टेज को कैसे बढ़ाना है या घटाना है, स्टेबलाइजर से या फिर उसके मैनुअली तरीके से, वो दोनों तरीके आपको हम लाइव दिखाएंगे। उसके अलावा जनरेटर का मेन है मेंटेनेंस, यानी उसका ऑयल चेक कैसे करना है और उसके स्टार्ट और बंद करने का क्या सही प्रोसेस क्या है। अगर आपकी एक छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है ना इस जनरेटर को स्टार्ट करने में या बंद करने में, तो उसमें भी आपका जनरेटर है वो प्रॉब्लम कर सकता है और आपको अपने डीजे का बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और पूरा का पूरा वीडियो कवर करने की कोशिश करेंगे कि आपके मन में जनरेटर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, ये है हमारा डीजे जनरेटर जो सिंगल फेस के अंदर रहने वाला है और डस्ट से ना हो इसलिए इसको थोड़ा ढककर रखा है ताकि ज़्यादा डस्ट ना लगे इसको, और आपको भी इसी तरह से रखना चाहिए। ये हमारा 7.5 केवी का है जो आमतौर पर हम डीजे के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, ये हमारा इंजन है जो अजीत का रहने वाला है, और ये हमारा है 12 केवी यानी 12 हॉर्स पावर का इंजन, और यहाँ पर ये हमारा 7.5 का आर्मेचर जो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा क्रोमटन की तरफ से रहने वाला है। यहाँ पर फ्रेंड्स, ये अभी काफ़ी ज़्यादा डस्ट से हो गया है क्योंकि ये इस पर थोड़ा बहुत ऑयली, मतलब एक बार टंकी में डालने समय भी नीचे गिर गया है, या फिर इसके एयर ले लिया वो निकालते समय भी ये भीग गया। उसके बाद आंधी से चलते, ज़्यादातर आंधी आने के कारण ये क्या हो गया है कि पूरा पूरा डस्ट से हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करके भी दिखाएंगे और इसके अंदर वोल्टेज कैसे बढ़ाते हैं कैसे घटाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। सो गाइज, अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ऑयल चेक कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये मैं वैसे सबसे लास्ट में बताता, लेकिन क्या है, एक बार कुछ जनरेटर को स्टार्ट करने के बाद उसका ऑयल है वो आप सही ढंग से चेक नहीं कर सकते हो, तो ये काफ़ी टाइम बंद रहा यानी 5-7 घंटे बाद, उसके बाद ऑयल चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, इसके ऑयल चेक करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो स्क्रू लगा हुआ है यहाँ, तो इसको आपको लूज करना है, और लूज करने के बाद इसको देखना है, ये इसका गैस भी बोल सकते हैं इसका जो जनरेटर का है। यहाँ से फ्रेंड्स इसको पूरा खोलना है, और खोलने के बाद यहाँ पर इसका देख सकते हो जो आपको ऑयल है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऑयल चेक करते समय आपको बस यही देखना है कि आपके जनरेटर का जो ऑयल है वो ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और उसके अंदर थोड़ा बहुत चिपचिपाट भी रहना चाहिए, यानी जिसके अंदर ये लगेगा कि हाँ ऑयल बिल्कुल फ्रेश है, और अगर ऑयल काला और गाढ़ा हो गया तो आपको ऑयल चेंज कराने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप जनरेटर को लगभग 200 घंटे चलाने के बाद आप इसकी सर्विसिंग है वो करा सकते हो एक अप्रोक्सी आईडी के हिसाब से, तो आपका जनरेटर का रिस्पॉन्स सबसे बेस्ट रहेगा। अभी आप इसके मार्क भी देख सकते हो, ये इसका मैक्सिमम मार्क है, और यहाँ तक इसका ऑयल रहना ज़रूरी है, अगर कम होता तो आप इसकी पूर्ति कर सकते हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ वापस। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने वोल्टेज शो करने के लिए यहाँ पर एक स्टेबलाइजर लगा दिया है ताकि आपको वोल्टेज शो कर सकूँ कि करंटली कितना ही वोल्टेज दे रहा है,
और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर इसका कनेक्शन मैं अभी ओपन ही रख रहा हूँ, इस टाइप से कर लिया है नॉर्मली एक बार चेक करने के लिए। तो अब फ्रेंड्स सबसे पहले है इसका स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या रहता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स ये इसका जो है ठोकर है उसको ऊपर रखना है, मतलब ये ऊपर नहीं रखोगे तब तो स्टार्ट होगा नहीं, तो ये तो आपको ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स इसकी हत्थी यहाँ पर मैंने लगा दी है, अब स्टार्ट करने के लिए आपको करना क्या है, इसको घुमाना है और उस ठोकर को छोड़ देना, सिंपली प्रोसेस यही रहता है। लेकिन फ्रेंड्स आपको यहाँ इस बात का ध्यान देना है कि इस हत्थी को थोड़ा पावर से यानी ताकत से घुमाना है, क्योंकि यह कभी कभी जनरेटर क्या होता है उल्टा भी स्टार्ट हो जाता है। अगर उल्टा वो स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा, तो इसका जो ऑयल होता है ना वो ऊपर उठाना शुरू कर देता है और यहाँ से जो आप ये देख रहे हो इसके अंदर से ऑयल आना शुरू हो जाता है। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप इसका एयर कैलेंडर देख सकते हो इसके अंदर से आना शुरू हो जाएगा, तो तब समझ लीजिए कि आपका जनरेटर वो उल्टा स्टार्ट हो गया है। और उल्टा होगा तब भी आपको वोल्टेज वही शो करेगा जितना है आर्मेचर वैसे ही चलेगा, लेकिन आपके इंजन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसका पड़ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब करते हैं हमारा जनरेटर को स्टार्ट, हाथी ऑलरेडी लगाई हुई है, खींच लेते हैं। अब सबसे पहले चेक करते हैं इसके वोल्टेज की सप्लाई को कि कितने सप्लाई ये देख रहा है। तो यहाँ से स्टेबलाइजर को मैं कर देता हूँ ऑन, या ऑन करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसकी सप्लाई वोल्टेज है वो लगभग 238 के आसपास हमें मेंशन की जा रही है। यहाँ से मैं इसको इनपुट कर देता हूँ, यहाँ पर आप 238 देख सकते हो, मैक्सिमम इसके अंदर 40-42 के आसपास की हुई है। तो एक बार उच्च स्टार्ट होने के बाद एक या दो मिनट तक ये चली जाती है, अभी देख सकते हो 240, 40, 41, 42 के आसपास है। और यही हमारे डीजे का जो है प्रॉपरली वोल्टेज फ्रिक्वेंसी वो होनी चाहिए। अगर आपकी जनरेटर की कम है तो लगभग आपको इतनी रखनी चाहिए। अब फ्रेंड्स हम इस आर्मेचर के अंदर की सेटिंग्स को समझते हैं, यानी जो भी भाई लोग ये मुझे कमेंट्स कर रहे हैं ना कि स्टेबलाइजर जनरेटर पर ऊपर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, उनके लिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपको डिसीजन होने वाला है कि वास्तव में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। और उसके अलावा फ्रेंड्स वो कुछ लोग वो भी कमेंट्स कर रहे थे कि जनरेटर के वोल्टेज अब हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसका भी सलूशन फ्रेंड्स अभी हम यहाँ से देखेंगे इस आर्मेचर के अंदर ही, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये इसके अंदर ही हमें मिलती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसका सबसे पहले ढक्कन को फटाफट से हटा देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ से हमने इसके ढक्कन को हटा लिया है और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। और इसको हम ज़्यादातर कहाँ देखते हैं, इसके अंदर यानी स्टेबलाइजर के अंदर। तो फ्रेंड्स अब जो लोग भी ये कमेंट्स कर रहे थे ना कि डीजे के लिए जो हमें स्टेबलाइजर यूज करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो फ्रेंड्स इसके अंदर स्टेबलाइजर ऑलरेडी अंदर लगा हुआ है, यानी यहाँ से हम इसको वोल्टेज है वो बढ़ा या घटा सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको स्टेबलाइजर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर फ्रेंड्स आप किसी भी जनरेटर के अंदर देखेंगे जो पुराने हैं तो उसके अंदर आपको ये नहीं मिलेगा, यानी डायरेक्ट इसका कनेक्शन इसके द्वारा आउटपुट रहता है। तो उन लोगों के लिए फ्रेंड्स आपको स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप लगा भी सकते हो अगर आपको वो सही फ्रिक्वेंसी दे रहा है तो नहीं लगाना है, वरना आप लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इस टाइप लगा हुआ होगा उसके अंदर आपको स्टेबलाइजर नहीं लगाना है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी स्टेबलाइजर है वो इनबिल्ट है। अब गाइस बात करते हैं इनके वोल्टेज को इंक्रीज या डाउन करने की, यानी फ्रेंड्स जब हमको वोल्टेज बढ़ाना है या घटाना है तो हम इस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अंदर सिंपली ये तरीका है कि आप इसके अंदर फ्रेंड्स जो ये वायर देख रहे हो इसके अंदर ये टर्मिनल लगे हुए 1, 2, 3, 4 ये लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो ये फ्रेंड्स बिल्कुल इस स्टेबलाइजर का जो बटन होता है ना उसके अंदर बढ़ते वैसे इसके अंदर बढ़ते हैं। अगर आपको वोल्टेज बढ़ाना है तो आप इस तरफ लगा सकते हो, यानी अभी मेरे 240 के आसपास है। अगर आपको और बढ़ाना है तो आप इसको इसके अंदर लगा सकते हो, जिसके अंदर
अंदर आपको 25-30 वोल्टेज और बढ़ जाएंगे। और अगर आपको वोल्टेज घटाना है तो आप इस तरफ जा सकते हो, जैसे यहाँ मैं लगाऊंगा तो ये 200 लगभग 15 के आसपास देगा, यहाँ लगाऊंगा तो 190 के आसपास देगा। तो फ्रेंड्स इधर आप डालोगे तो घटेगा और इधर आप लगाओगे तो वोल्टेज बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स सिंपली ये प्रोसेस रहता है। और ये हमारा स्टेबलाइजर इसके अंदर लगा हुआ है ऑलरेडी, किसी तरह की आपको अलग से स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है। तो गाइस ये था हमारा 7.5 KV का सिंगल फेस का जनरेटर, जिसमें हमने फ्रेंड्स उसका स्टार्ट और इसको बंद करने का प्रोसेस देखा। ये छोटा जनरेटर था जो हम 30 से स्टार्ट करते थे। अगर कोई बड़ा जनरेटर होता है तो वो सेल्फ स्टार्ट होता है या फिर उसको रस्सा खींचकर स्टार्ट किया जाता है। तो इन सभी में आपको ध्यान सिर्फ इसी चीज का ध्यान रखना है कि जनरेटर उल्टा स्टार्ट नहीं होना चाहिए, वरना उसके इंजन पर इफेक्ट पड़ सकता है, और ये मेरे साथ काफी बार हुआ भी है। ठीक है, तो वो हो गया स्टार्ट और बंद का। दूसरा है, अगर आप खुद का जनरेटर है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसके मेंटेनेंस का सही टाइम पर उसकी सर्विसिंग करानी है, ऑयल की जैसे मैंने बताया, उसके अंदर गैस के जो निशान है उनके भी हमेशा ऑयल रखना चाहिए। अगर कम ऑयल में आप जनरेटर यूज करोगे तो आपके जनरेटर को इंजन बैठ सकता है, तो वो भी ध्यान रखना। उसके अलावा ये सर्विसिंग तो आपको करानी है, जैसे आप बड़ा जनरेटर है तो मान लीजिए आप 200 या 250 घंटे एक बार आप उसको चला लिया ऑन में, तो उसके बाद आप उसका ऑयल चेंज कराना पड़ता है, वरना क्या है कि वो धीरे धीरे उसके एवरेज पर भी इफेक्ट पड़ता है, उसके अलावा इंजन पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो ये इस तरह से इसका मेंटेनेंस आपको करना होता है। और उसके अलावा फ्रेंड्स आर्मेचर के अंदर उसके कनेक्शन का है वो भी प्रॉपरली करना जरूरी है। ये हमारा 7.5 KV का जनरेटर है, इसलिए इसके अंदर स्टेबलाइजर के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज किया वो इसमें लगाया गया है, ताकि हम डीजी के लिए डायरेक्ट यहाँ से वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। जनरेटर को वोल्टेज बनाने के दो ही तरीके हैं। अगर आपके पास बड़ा जनरेटर है जैसे डीजी सेट है, डीजी सेट के अंदर ज्यादातर वोल्टेज वगैरह सेट किए होते हैं, या फिर आपको खुला जनरेटर है बड़ा तो डायरेक्ट रेस से बढ़ाने होंगे। अगर मान लीजिए आपके पास एक 25 KV का जनरेटर है और आप सिंगल या बॉक्स ट्रस यूज कर रहे हो, उसके लिए आपने स्टेबलाइजर भी लगाया है और जैसे जनरेटर स्टार्ट किया उसका वोल्टेज 210 आ गए या 200 के आसपास आ गए, तो वहां पर अब आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर से बिल्कुल ही नहीं बढ़ाना है, वहां पर आपको वोल्टेज बनाना है जनरेटर की रेस से। जैसे आप रेस खींचोगे वोल्टेज अपने आप बढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से बढ़ाना है। स्टेबलाइजर यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ स्टेबलाइजर यूज कर सकते हो, किस लिए सिर्फ ऑटो कट के लिए यूज कर सकते हो, वोल्टेज को घटाना या फिर बढ़ाने के लिए आप स्टेबलाइजर का यूज नहीं कर सकते हो जनरेटर के ऊपर। रहता है कि जनरेटर पर हम कितनी मैक्सिमम एम्पलीफायर चला सकते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 7.5 KV का जनरेटर है, तो इस पर आप मैक्सिमम 4,000 वाट की 2 एम्पलीफायर चला सकते हैं बड़े आराम से। जैसे आपके पास डायनेट है कि 4,000 या 5,000 एम्पलीफायर है, तो आप 1,500 या 1,400 ले सकते हैं 7.5 KV पर, और उस पर आप लोड के हिसाब से टॉप भी चला सकते हैं, बेस का पेयर या फिर एक टॉप का पेयर चला सकते हैं, या फिर एक टॉप डुअल चला सकते हैं, मतलब इन दोनों एम्पलीफायर पर जो चल सकता है वो चला सकते हैं मैक्सिमम। अगर आपके पास कोई हैवी एम्पलीफायर है जैसे 7,000 वाट की एम्पलीफायर है या फिर आपके पास 8,000 वाट की एम्पलीफायर है, तो सिर्फ आप एक एम्पलीफायर को चला सकते हैं। ज्यादातर हम फ्रेंड्स सेटअप के अंदर 2 बेस और 4 टॉप यूज करते रहे आम बात है, वो ज्यादातर हम यूज करते हैं, तो उसके लिए आपके पास कम से कम 12 KV का जनरेटर होना जरूरी है। अगर आपके पास 12 KV का जनरेटर नहीं है तो आप 7.5 के 2 जनरेटर यूज कर सकते हो। अगर आप उसके लिए 12 KV का एक जनरेटर यूज करते हो तो उस पर आप इस सेटअप को ऑपरेट करने के लिए मैक्सिमम हम 4 एम्पलीफायर यूज करते हैं, चाहे वो आप 4,000 की माने या फिर 3,000 की मान सकते हो या 5,000 की मानो, तो 4 एम्पलीफायर से 4 टॉप और 2 बेस का सेटअप ऑपरेट कर सकते हो, तो उसके लिए 12 KV का जनरेटर आपको लेने की जरूरत है। ये तो हो गया फ्रेंड्स 12 का। अगर आपके पास इससे बड़ा सेटअप जैसे आप कोई सिंगल ट्रस्ट यूज कर रहे हो तो 15 KV का जनरेटर ले सकते हैं, या फिर आपके पास बॉक्स ट्रस्ट है जिसमें आप 4 बेस 4 टॉप या 6 टॉप यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको फ्रेंड्स 25 KV के जनरेटर की भी जरूरत पड़ सकती है, मैक्सिमम सिंगल ट्रस्ट के लिए काफी है। और अगर आपके पास बड़ा सेटअप है जैसे आपके पास बड़ी ट्रस्ट है या शार्प भी ज्यादा है, पारलाइट भी यूज करते हो, ब्लेंडर लगाते हो, उसके अलावा आप लाइव का काम लेते हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है डीजी सेट, जो आप 30 KV का ले सकते हो या फिर आपके लोड के हिसाब से ले सकते हो। मैक्सिमम 30 KV का लोड काफी होता है हमारे डीजे के लिए, तो उसके हिसाब से आप जनरेटर ले सकते हो। जनरेटर के अंदर फ्रेंड्स यही सबसे मेन है कि उसकी
कनेक्शन है वो प्रॉपरली कनेक्ट होना चाहिए, यानी लूज कनेक्शन जनरेटर के मामले में बिल्कुल नहीं चलते। इससे आपके साउंड पर भी एम्पलीफायर पर असर पड़ता है, जैसे एम्पलीफायर मिस्टेक होने के भी चांसेस रहते हैं अगर आप लूज कनेक्शन करते हो तो जनरेटर का कनेक्शन हमेशा परफेक्ट रखना है। जनरेटर और अपने बोर्ड के बीच ये बोर्ड पर एमसीबी को जरूर रखना है, ताकि कभी भी मान लीजिए जनरेटर अगर तेल कम होने के कारण एयर ले तो आप एम्पलीफायर को फटाफट बंद नहीं कर सकते हो, इसलिए डायरेक्ट एमसीबी को बंद कर सकते हो। और एक चीज का ये भी आपको मेन ध्यान रखना है, और काफी बार इस छोटी सी गलती से लोगों का नुकसान भी हुआ है, कि जनरेटर के ऊपर जब आप स्टार्ट करते हो तो उस पर कोई भी आपका डीजे एम्पलीफायर या फिर कोई भी लाइट वगैरह लगी हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे बोर्ड का कनेक्शन प्रॉपरली कर लिया लेकिन बोर्ड के प्लग के अंदर एक भी पिन नहीं लगानी है। सबसे पहले जनरेटर को पूरा स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद बोर्ड की सप्लाई को ऑन करना है, वहां पर वोल्टेज शो कर रहेंगे, फ्रिक्वेंसी शो करेंगे, उसको देखेंगे यानी आपका वोल्टेज प्रॉपरली है 240 या फिर 42 238, अगर वोल्टेज प्रॉपरली है तो यहाँ से आगे आप स्टार्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो वहां पर आप जनरेटर से रेस के द्वारा वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, फिर अपने डीजे सेटअप को ऑन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अगर इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर अगर चलेंगे तो आपका सेटअप है जनरेटर की वजह से कभी भी मिस्टेक नहीं करेगा, या फिर आपका जनरेटर भी कभी भी मिस्टेक नहीं करेगा। उसके अलावा एक और फ्रेंड्स छोटी सी इंफॉर्मेशन, कि अगर आपके पास कोई जनरेटर है और उस पर अगर आप ज्यादा लोड दे देते हो तो आपको कैसे पता चलेगा। मान लीजिए मेरे पास 10 KV का जनरेटर है और मैं मैक्सिमम 4 एम्पलीफायर दे देता हूँ, मेरे पास 5,000 की थी इसलिए मैंने 4 दे दी। अब मुझे क्या पता है कि मैं जनरेटर पर लोड ज्यादा हो गया है, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको एक आइडिया अपनाना है। सबसे पहले अपने साउंड को कनेक्ट कर देना है, फिर एम्पलीफायर को ऑन करना है। जैसे सबसे पहले आपने 3 एम्पलीफायर को ऑन किया और उसकी फुल वॉल्यूम कर दी, जितने हम एम्पलीफायर की लिमिट तक करते हैं, जो जनरेटर होता है धुआं निकालता है वहां से उसका धुआं कितना आ रहा है। फिर अगर आप 4 एम्पलीफायर यूज करते हो, चारों को ऑन कर लीजिए और उसकी वॉल्यूम चला लीजिए जितना आप अपने डीजे के लेवल के हिसाब से चलाते हो, जितनी एम्पलीफायर सेव रहनी चाहिए यानी क्लिप तक चला सकते हो। अगर उस टाइम अगर आपका जनरेटर ज्यादा धुआं मार रहा है यानी लगातार जनरेटर धुआं छोड़ रहा है, तो समझ जाइए कि जनरेटर पर कैपेसिटी से ज्यादा लोड दिया गया है। और अगर उस टाइम आपके पास एक ऑप्शन रहता है, या जनरेटर चेंज कर सकते हैं, उससे हेवी क्वालिटी का मंगवाइए, या फिर आप उसके साउंड को नॉर्मल वॉल्यूम में चला सकते हैं। जैसे आपने 80% वॉल्यूम की थी तब जनरेटर पर तेजी से धुआं छोड़ रहा था, तो आप उसकी वॉल्यूम 60% करके चला सकते हैं वही। तो ये इस तरह से आप जनरेटर पर लोड की कैपेसिटी को पहचान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में।